जब एक सर्जन कोई बॉडी पार्ट काट के निकाल लेता है या आपका एब्डोमेन ओपन करता है, अल्टीमेटली वहां पर डोंट यू थिंक कि जब वो रिकंस्ट्रक्ट करता है, उसको स्टिचेस करता है, इट शुड बी डन बाय अ प्लास्टिक सर्जन रादर देन अ सर्जन। अगर आपने उस इंसान को उस टिश्यू उस डिजीज से जो निकला उसको आपने रिहैबिलिटेट कर दिया, तो उसका जो दुख दर्द और जो तकलीफ है उस सर्जरी से रिगार्डिंग, उस एपिसोड से रिगार्डिंग कम हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत और हमारे साथ हैं डॉक्टर रजत, जो कि इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लास्टिक सर्जन हैं। और आज हम इनसे ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपके मन में आते होंगे। एक सर्जन और प्लास्टिक सर्जन में क्या डिफरेंस है? देखिए, सर्जन और प्लास्टिक सर्जन में बहुत डिफरेंस है, पढ़ाई का ही डिफरेंस है। सबसे पहले तो हम जब डॉक्टरी करते हैं सब लोग, तो पहले MBBS करते हैं, 4.5 साल का MBBS का कोर्स होता है, फिर 1 साल का इंटर्नशिप होता है, उसके बाद एक एग्जामिनेशन देते हैं जिसे बोलते हैं जनरल सर्जन या जनरल मेडिसिन या पीडियाट्रिशियन या गाइनी, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं जिनको बोलते हैं हम सब स्पेशलिटी ब्रांचेस। सो अब जनरल सर्जरी कर लिया आपने, आप जनरल सर्जन बन गए, उसके बाद आप करते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन, एक और एग्जाम देते हैं जिसमें आप सर्जरी की सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस चूज कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग ऑन्को सर्जरी करते हैं, यूरोलॉजी करते हैं, GI सर्जरी करते हैं, ऐसे एक प्लास्टिक सर्जरी होती है। सो प्लास्टिक सर्जरी एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है जनरल सर्जरी की, उसमें भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं प्लास्टिक सर्जरी के अंदर, रिकंस्ट्रक्टिव कुछ लोग सर्जरीज करते हैं, कुछ लोग एस्थेटिक करते हैं। तो ये तो हो गया पढ़ाई की तरफ से अंतर। दूसरा अंतर हो गया कि क्या सर्जरीज करते हैं और किस तरह से करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का सारा जो खेल है डॉक्टर साहब, वो एक टिश्यू हैंडलिंग का खेल है। इट इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड प्लास्टिकोज, कि आपको एक प्लास्टिकोज मीन्स टू मोल्ड, कि किस तरह से आपने टिश्यूज को अच्छे से हैंडल कर नॉन ट्रोमेटिकली हैंडल कर मोल्ड कर दिया एक नई शेप देने में। अब वो हेड से टो तक हो सकती है। सो ये प्लास्टिक सर्जरी है। व्हाई इट इज कॉल्ड प्लास्टिक सर्जरी? प्लास्टिक का तो डायरेक्ट इस्तेमाल तो होता नहीं। मैंने बोला ना, इट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड प्लास्टिकोस, PLASTIKOS। प्लास्टिकोस का जो अर्थात है, मतलब है, वो है टू मोल्ड। सो टू मोल्ड अ शेप टू अ न्यू शेप, टू मोल्ड अ टिश्यू इन सच अ मैनर टू गेट अ डिफरेंट शेप सो दैट यू कैन ट्रांसफॉर्म द लुक्स और टू करेक्ट अ डिफॉर्मिटी टू अ ओरिजिनल। हां, तो वो डिफॉर्मिटी या तो आपके ट्रॉमा से है, या बर्न से है, एक्सीडेंट से है, कैंसर की वजह से है, तो वो ठीक करना और नॉर्मल को भी सुंदर बनाना, ये दोनों सब कुछ चीजें प्लास्टिक सर्जरी। तो डॉक्टर साहब, टेक्निकली जब एक सर्जन कोई बॉडी पार्ट काट के निकाल लेता है या आपका एब्डोमेन ओपन करता है या आपका लाइपोमा निकालता है, सो अल्टीमेटली वहां पर डोंट यू थिंक कि जब वो रिकंस्ट्रक्ट करता है, उसको स्टिचेस करता है, इट शुड बी डन बाय अ प्लास्टिक सर्जन रादर देन अ सर्जन? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट प्लास्टिक सर्जरी इज अ वे ऑफ अ सर्जरी, इन द सेंस एवरी सर्जरी विल मोस्ट लाइकली नीड अ प्लास्टिक सर्जरी। अब जैसे कोई कैंसर है, मुंह का कैंसर है या ब्रेस्ट का कैंसर है, कैंसर सर्जन ने उस टिश्यू को निकाल दिया। अब बहुत बारी ब्रेस्ट कैंसर सर्जन ब्रेस्ट तो निकाल देते हैं, जिसको बोलते हैं मैस्टेक्टमी, बहुत कॉमन हो गया है आजकल ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, है ना। लेकिन कोई सोचता क्यों नहीं है कि जो ब्रेस्ट है वो एक इंटेग्रल पार्ट है फॉर अ वुमेन। आपने टिश्यू निकाल दिया, ब्रेस्ट निकाल दी, इट इज लाइक एन एम्पुटेशन, टांग काट दी, सही बात। आपने उसकी रिहैबिलिटेशन तो की नहीं पूरी। सो आइडियली एवरी टिश्यू वंस यू रिमूव, यू शुड रिकंस्ट्रक्ट इन अ सिमिलर मैनर जैसे भगवान ने बनाया। वैसा ना बना पाए, बट काफी हद तक उस तरह का बना पाए ताकि उसका फॉर्म फंक्शन आप वैसा दे पाए। ना सिर्फ फॉर्म फंक्शन, उस इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी, बहुत, उसके आगे के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है कि भाई आपके शरीर से ये हिस्सा गायब है। हर रोज शीशे में देख के उसे एहसास होता है कि भाई अब मैं ऐसा नहीं, पहले जैसा नहीं रह गया। तो ये इवन आज के डेट में क्या बड़े बड़े अस्पतालों में जैसी जगहों पर या में भी क्या इस तरह की सर्जरी के बाद प्लास्टिक सर्जरी होती है? सो बहुत ही आपने सही सवाल पूछा और हमारी एक दुखती रक्त को आपने टच किया। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है इंसान का। अगर आपने उस इंसान को उस टिश्यू उस डिजीज से जो निकला उसको आपने रिहैबिलिटेट कर दिया, तो उसका जो दुख दर्द और जो तकलीफ है उस सर्जरी से रिगार्डिंग, उस एपिसोड से रिगार्डिंग कम हो जाएगी। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब बात आती है कि क्या ये सर्जरीज कॉमन है। अब मैं अस्पतालों के नाम तो नहीं लूंगा जैसे आपने लिए, लेकिन ये सर्जरीज स्पेशली जैसे हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, बहुत अनकॉमन है। हम कहते हैं कि अगर दिल्ली जैसे शहर में दिन में अराउंड 20 मैस्टेक्टमीज होती होंगी, सारे अस्पताल मिला लो, मिनिमम 20 मैस्टेक्टमीज तो होती ही, कैंसर वाली हाँ, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, तो शायद एक रिकंस्ट्रक्शन होता है। अच्छा, ये उसी समय होता है या लेटर ऑन होता है? बाद में भी करा जा सकता है वैसे तो, लेकिन उस समय भी करा जा सकता है। उस समय करने का फायदा ये होता है बहुत बारी कि पेशेंट को तकलीफ महसूस ही नहीं हुई, उसको वो स्टिग्मा घुसा ही नहीं दिमाग में, और सेकंड सर्जरी से भी वो बच जाता है।
लेकिन कई बार लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि यार मैं ब्रेस्ट सर्जरी ब्रेस्ट हट गया तो मैं अब कैंसर हटाना चाहता हूँ, मेरे को चाहिए नहीं ब्रेस्ट। लेकिन उनको समझाना एजुकेशन करना अवेयरनेस करना जरूरी है कि जो नया टिश्यू जो बनता है वो ब्रेस्ट नहीं होता, वो आपके एब्डोमेन से या बैक से या इम्प्लांट इस तरह से करके बनाते हैं नया ब्रेस्ट ताकि वो शेप बन जाए। सो ब्रेस्ट कैंसर तो आपका कैंसर सर ने निकाल दिया, उसके बाद आपको कीमोथेरेपी की जरूरत है या नहीं है डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या स्टेज ऑफ कैंसर है। लेकिन एक बार आपने नया ब्रेस्ट बनाया तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि उसमें भी कैंसर हो सकता है क्योंकि वो अलग टिश्यू है। अच्छा, उसके ऊपर अगर रेडिएशन करते हैं तो क्या उस टिश्यू पे, क्योंकि नया अगर किसी ने ब्रेस्ट बनवा लिया एंड दैट इज काइंड ऑफ अ सिलिकॉन थिंग और वो जो यूज होता है, क्या उसके ऊपर रेडिएशन का इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं आएगा, रेडिएशन का इफेक्ट तो हर ऑर्गन्स पे आता है, लेकिन आजकल रेडिएशन इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक हो गई है, इतनी ज़्यादा टारगेटेड हो गई है कि वो उस टिश्यू पे इतना इफेक्ट नहीं आता। और अगर किसी पेशेंट को आपको रेडिएशन देनी होती है तो हमारा रिकंस्ट्रक्शन प्लान थोड़ा बदल जाता है, फिर हम जरूरी नहीं कि इम्प्लांट बेस करें, हम ऑटोलॉगस टिश्यू बेस रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, बट हमारा मकसद क्या है कि पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि ये वो कर सकता है। ऑनको सर्जन को भी ये एक जिम्मेदारी एक दायित्व होना चाहिए कि वो डॉक्टर एज ए डॉक्टर ये ना सोचे बस मैंने अपना कैंसर निकाल दिया, वो ये भी सोचे कि इस पेशेंट की रिहैबिलिटेशन पूरी हुई या नहीं हुई, क्या मैं प्लास्टिक सर्जन को मिलवाऊँ। क्योंकि बहुत बारी जब ऐसा मरीज होता है वो उस समय कैंसर सर्जन के पास जाता है, वो उस समय बेचारा इतने तकलीफ में होता है, इतने मानसिक तनाव में होता है, वो प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन करना सोच नहीं पाता। हाँ, ओरल कैंसर सर्जरी में तो रिकंस्ट्रक्शन बहुत कॉमन है, क्योंकि अब किसी का आपने बोन ही निकाल दी, जबड़ा ही निकाल दिया, तो आपको तो रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो वो रिहैबिलिटेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना नहीं खा पाएगा काइंड ऑफ, तो वो ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर बस कॉस्ट का आता है बात बहुत बड़ी, क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत मुश्किल से कई बार सर्जरी का कॉस्ट उठा पाते हैं कि भी ब्रेस्ट सर्जरी या कैंसर सर्जरी करानी है, और इस तरह अगर कोई एडिशनल सर्जरी करता है तो क्या कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है? ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है किस तरह का रिकंस्ट्रक्टिव प्लान हुआ है, कई बार डबल हो जाती है, कई बार डबल से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, कई कम भी हो सकती है। अगर आपको ठीक से उसको आप डॉक्यूमेंटेशन करें तो इंश्योरेंस कवर भी कर सकती है। लेकिन कई बार इंश्योरेंस कवर नहीं करती, ये एक दुखदायी बात है हिंदुस्तान में, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी के द्वारा हमारी एसोसिएशन के द्वारा हम इंश्योरेंस कंपनीज को लिख रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन आपको कवर करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, और इस बात पे मैं पब्लिक से भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंसान का कैसा वो दिखता है वो, और उसकी फिजिक, उसके शरीर के अंग अगर सही नहीं हो तो ये बहुत बड़ा फिजिकल मेंटल चैलेंज बन जाता है उसके लिए। तो ये एक रिहैबिलिटेशन में आता है, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी में नहीं आएगा। कॉस्मेटिक सर्जरी और रिहैबिलिटेटिव सर्जरी में डिफरेंस होना चाहिए, और रिहैबिलिटेटिव सर्जरी डेफिनेटली इंश्योरेंस में कवर्ड होनी चाहिए। बिल्कुल, होती भी हैं बहुत बहुत ज़्यादा जगहों पे, बहुत ज़्यादा चीज़ों में कवर होती हैं, ओरल कैंसर सर्जरीज में कवर होती हैं, आपका स्किन कैंसर में कवर होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक स्पेसिफिक है जिसमें अभी उतना अच्छे से कवर नहीं हो रही है, बर्न्स में शायद कवर होती है, बर्न्स में भी कवर हो जाते हैं, लेकिन बर्न्स के एक अलग इश्यूज भी होते हैं। तो बहुत जगह कवर होती है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, ट्रॉमा में कवर होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उंगली कट गई वगैरह, वो कवर होता है, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है अभी हमें लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना कि अगर आपको ये तकलीफ है तो आप एक प्लास्टिक सर्जन से भी इन्वॉल्व करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, और आप अपने डॉक्टर से बात करें कि अगर आपके शरीर से कोई भी हिस्सा कट रहा है तो उस हिस्से को एक नॉर्मल हिस्से जैसा रिहैबिलिटेट करने के लिए क्या उस हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन अवेलेबल है। नहीं है तो आप प्लास्टिक सर्जन से बात कर सकते हैं अपने खुद के केस के लिए।